छात्रों, मैं धनंजय कुमार आजाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, आज आप लोगों को अंटार्कटिक महासागर के नीतल के ऊंचावच के बारे में बताऊंगा। छात्रों, पहले अंध महासागर या अटलांटिक महासागर के नीतल के बारे में जानकारी से पहले थोड़ा सा हम परिचय ले लेते हैं पूरे विश्व में फैले हुए महासागरों के बारे में। छात्रों, अगर ग्लोब पर देखा जाए तो समस्त ग्लोब अर्थात पृथ्वी का क्षेत्रफल 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसके 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है, जबकि 29% भाग पर ही मात्र स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है। छात्रों, अगर देखा जाए तो यह 71% जलमंडल जिसका विस्तार पाया जाता है, उसमें कई एक महासागर स्थित हैं, जैसे प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, इसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। दूसरा आंध महासागर जिसका क्षेत्रफल 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तीसरा है हिंद महासागर जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है, उसका क्षेत्रफल 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा जलमंडल का विस्तार कई एक सागरों में, जिसमें आर्कटिक सागर, मलय सागर, कैलिफोर्निया सागर, चीन सागर, लाल सागर जैसे प्रमुख सागरों में इसका विस्तार पाया जाता है। अब छात्रों, हम लोग आते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। तो अगर अटलांटिक महासागर के बारे में देखा जाए तो यह लगभग अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकृति में इसका विस्तार पाया जाता है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल के 16.5% भाग पर फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का लगभग 50% है। इसके पूर्व में जहां अफ्रीका का सहारा तट पश्चिम की ओर उभरा हुआ है, वहीं दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी तट कैरेबियन सागर में दबा हुआ है। इस प्रकार अटलांटिक महासागर विषुवतीय रेखा के पास काफी संकरा हो जाता है। अफ्रीका की लाइबेरिया तट की दूरी साओ अंतरिक्ष से मात्र 2560 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से उत्तर उत्तरी अटलांटिक बेसिन 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 4800 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि दक्षिणी अटलांटिक बेसिन 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर 5920 किलोमीटर चौड़ा है। इस प्रकार देखा जाए तो अटलांटिक महासागर एक काफी विस्तृत महासागर है। अब अगर इसके नीतल के ऊंचावच के बारे में अगर देखा जाए तो अटलांटिक महासागर के तटवर्ती देशों में अत्यधिक विकसित एवं समृद्ध देश है, अतः इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इस महासागर का विशेष महत्व है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा जहां इसके पश्चिमी तट के समृद्ध देश है, वहीं पूर्वी तट पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देश हैं जो विकास के अपने उच्चतम शिखर पर आसीन है, इसलिए इस महासागर का सर्वाधिक अध्ययन किया गया है। इसके अध्ययन के लिए अनेक देशों ने कई अभियान चलाए, जिसके माध्यम से हम लोगों ने इसके महासागरीय नीतल के ऊंचावच के बारे में काफी जानकारी हम लोग एकत्रित कर पाए। छात्रों, अगर देखा जाए, अगर महासागरीय नीतल के ऊंचावच के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले आता है महासागरीय मग्न तट। इसससे पहले अगर हम एक आरेख के माध्यम से अगर इसको समझें तो किसी भी समुद्र के ऊंचावच को हमें एक आरेख के माध्यम से अगर देखें तो इसमें मुख्यतः किसी भी महासागर को सबसे पहले महासागरीय मग्न तट, उसके बाद महासागरीय मग्न ढाल, गहरे सागरीय मैदान और जिसे हम लोग महासागरीय बेसिन भी बोलते हैं, और सबसे अंत में महासागरीय गर्त आता है। छात्रों, अगर हम लोग अटलांटिक महासागर के बारे में देखें तो इसके मग्न तट का विस्तार दोनों दिशाओं के तरफ है। दूसरे शब्दों में कहे तो आर्कटिक महासागर का विस्तार पूर्व और पश्चिम ज्यादा है।
इसकी और यह उत्तर दक्षिण की तरफ लंबा है, जिसके वजह से इसका विस्तार पूर्व और पश्चिम की तरफ है। इसकी चौड़ाई कहीं 80 किलोमीटर से अधिक हो जाती है तो कहीं यह 2 से 4 किलोमीटर ही रह जाती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो कुछ भागों को छोड़कर इस महासागर के चारों ओर चौड़े मगन तट पाए जाते हैं। उत्तरी अटलांटिक में मगन तट प्रायः सर्वत्र सपाट और चौड़े हैं। छात्रों, यह जानकारी होना चाहिए कि पर्वतीय एवं पठारी तटों के मगन तट अत्यधिक संकरे एवं मैदानी तटों के मगन तट अधिक विस्तृत और समतल होते हैं। यूरोप के पश्चिमी तट यथा संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट निकटवर्ती मगन तट काफी चौड़े हैं। वहीं बिस्के की खाड़ी से लेकर उत्तर मासा अंतरीप केप ऑफ गुड होप का मगन तट की चौड़ाई काफी कम है। लेब्राडोर के मगन तटों की चौड़ाई 240 से 400 किलोमीटर तक पाई जाती है। वहीं ब्राजील के पठारी तट के पास मगन तट अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। अब हम अगर इसके आंतरिक संरचना के बारे में देखें तो अटलांटिक महासागर का सबसे महत्वपूर्ण संरचना मध्य अटलांटिक कटक है। अटलांटिक महासागर के कटक जो मध्य अटलांटिक कटक है, यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बेवेट द्वीप तक 14,400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है तथा कहीं भी सागर तल से 4,000 मीटर से नीचे नहीं है। यद्यपि यह कटक कभी पश्चिम तो कभी पूर्व की ओर झुक जाता है, परंतु इसका मध्यवर्ती स्थिति सदा बनी रहती है। भूमध्य रेखा के उत्तर इस कटक को डॉल्फिन कटक के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर इस कटक को जो यह है डॉल्फिन कटक के नाम से जाना जाता है। वहीं भूमध्य रेखा के दक्षिण में इसको चैलेंजर कटक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच इस कटक को बिबिल टॉमसन कटक के नाम से जाना जाता है। ग्रीनलैंड के दक्षिण में कटक चौड़ा हो जाता है, जिसे टेलीग्राफ पठार के नाम से जाना जाता है। 50 डिग्री उत्तर अक्षांश के पास इस कटक की शाखा न्यू फाउंडलैंड उभार के नाम से न्यू फाउंडलैंड तट तक चली जाती है। 40 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्यवर्ती कटक से एक शाखा अलग होकर ओजोर उभार के नाम से ओजोर तट तक चली जाती है। 40 डिग्री अक्षांश के पास इस कटक की एक शाखा वाल्विस कटक अफ्रीका के मगन तट की ओर तथा दूसरी शाखा रायो ग्रेंडी उभार के नाम से दक्षिण अमेरिका की ओर चली जाती है। मध्यवर्ती कटक का यद्यपि अधिकांश भाग जलमज्जित है, तथापि कई चोटियां सागर को चीर कर ऊपर की ओर दृष्टिगोचर होती है। जैसे ओजोर पीको द्वीप प्रमुख है, जो सागर तल से 7,000 से 8,000 फीट ऊपर उठा हुआ है। मध्य अटलांटिक कटक की उत्पत्ति के विषय में पर्याप्त मतभेद है। सर्वप्रथम इसको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बिगनर के द्वारा इसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया था, परंतु वर्तमान में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है मध्य अटलांटिक कटक की उत्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार इसका निर्माण उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका प्लेट तथा यूरोप अफ्रीका प्लेट के रचनात्मक किनारों के अलगाव तथा नीचे से मैग्मा के ऊपर उद्दीलित होकर आगमन के कारण इसका निर्माण हुआ है। अगर इसके बेसिन के बारे में जाना जाए, मध्य अटलांटिक बेसिन के बारे में, तो मध्य अटलांटिक में कई बेसिन पाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख हैं लेब्राडोर बेसिन। यह उत्तर में ग्रीनलैंड तथा दक्षिण में न्यू फाउंडलैंड के मध्य स्थित है तथा इसकी गहराई 4,000 मीटर है। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो उत्तर पूर्व अटलांटिक बेसिन जो दीर्घाकार बेसिन उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम की दिशा में 38 डिग्री से
50 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी अटलांटिक बेसिन यह उत्तरी अटलांटिक में स्थित सबसे बड़ी बेसिन है, जिसका विस्तार 12 डिग्री उत्तर से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। इसी प्रकार केपवर्ड बेसिन, ब्राजील बेसिन जो कि अटलांटिक में भूमध्य रेखा के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत, इस बेसिन की गहराई 6000 मीटर से अधिक है। उसी प्रकार गिनी बेसिन, दक्षिण पूर्वी अटलांटिक बेसिन, केप बेसिन, अगुलहास बेसिन जो उत्तर मासा अंतरिप के दक्षिण में स्थित है, यह बेसिन 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य अपेक्षाकृत अधिक चौड़ी बेसिन है। अब अगर महासागरीय गर्त के बारे में देखा जाए तो महासागरीय गर्त जो है महासागर वह अटलांटिक महासागर में महासागरीय गर्त का अन्य महासागरों के तुलना में कुछ अभाव पाया जाता है। फिर भी इसमें अंध महासागर में के सबसे प्रमुख जो गर्त है, नरेश गर्त, पोर्टोरिको गर्त, रोमांस गर्त, बल्वेडिया गर्त, मोसले चून इत्यादि प्रमुख है। अगर अटलांटिक महासागर के गर्तों के बारे में देखा जाए तो इसके बारे में यह एक कल्पना है कि यहाँ जो गर्त है वह रेखीय, यहाँ पे रेखीय गर्तों की संख्या कम है। इसका प्रमुख कारण है अटलांटिक तट का अभिनव बलन जो है वह एक सीधी रेखा में न होकर आर्य तिरछे हुआ है। अब अगर अटलांटिक महासागर के द्वीपों के बारे में देखा जाए तो अटलांटिक महासागर में अपेक्षाकृत कम द्वीप समूह पाए जाते हैं। यद्यपि ब्रिटिश द्वीप समूह एवं न्यूफाउंडलैंड द्वीप वास्तव में महासागर महाद्वीपीय मग्न तट के ही ऊंचे भाग है, जो पहले ही हम आरेख के द्वारा स्पष्ट किए हैं। पश्चिमी द्वीप समूह का निर्माण कई द्वीप चापों के मिलने के कारण हुआ है, जो मुख्य स्थल खंड से अधिक दूर नहीं है। दूसरी ओर आइसलैंड तथा फ्यूरोज ऐसे द्वीप हैं जो उत्तरी स्कॉटलैंड तथा ग्रीनलैंड के बीच अंतर समुद्रीय श्रेणी जल के ऊपर उठने के कारण बने हुए हैं। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी सिरे तथा अटलांटिक के ग्राहमलैंड प्रायद्वीप के मध्य फैली हुई अनेक विषम पहाड़ियां और पठारियां अधिक ऊंचाई वाले तथा जल से बाहर निकलने अनेक द्वीपों का निर्माण होता है। इसमें अगर इसके अगर द्वीपों के बारे में और विस्तार से देखा जाए तो इसके द्वीपों का निर्माण मध्य अटलांटिक श्रेणियों के ऊंचे उठे भागों के सहारे हुआ है, जैसे कि एजोर्स द्वीप, असेंशन द्वीप, टिस्टन द कुल्हा द्वीप का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। मध्य अटलांटिक श्रेणी के पूर्व में स्थित सेंट हेलेना द्वीप सीधे महासागरीय नीतल से उठा हुआ है। इस प्रकार श्रेणी के पश्चिम में स्थित ट्रिनाड द्वीप नीतल से ऊपर उठा हुआ है। अगर तटवर्ती समुद्र के बारे में देखा जाए तो अटलांटिक महासागर के मग्न तट, अटलांटिक महासागर में मग्न तटों का, जैसा कि हम लोग पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं, प्रायः अभाव पाया जाता है। उसी प्रकार वहां तटवर्ती सागरों का भी अभाव पाया जाता है, जबकि उत्तरी अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में अगर देखा जाए तो इसके दक्षिणी भागों में तटवर्ती समुद्रों का अभाव पाया जाता है। इसके विपरीत उत्तरी अटलांटिक महासागर के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर अनेक समुद्री द्वीप पाए जाते हैं। यूरोप के महाद्वीपीय तटों के निमज्जन के फलस्वरूप उसमें कई प्रायद्वीप की उत्पत्ति हुई और उसके विस्तृत तटवर्ती समुद्रों का निर्माण हुआ, जिसमें बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, भूमध्य सागर, एडियाटिक सागर तथा अन्य छोटे समुद्रों का निर्माण भी इसी प्रकार हुआ है। बाल्टिक तथा उत्तरी सागर छिछले हैं, उनकी गहराई 100 फैदम से भी कम है। भूमध्य सागर का सागर विस्तृत होने के साथ साथ अधिक गहरा भी है, इसमें कई बेसिनें भी पाई जाती है। इस सागर के कुछ भाग, भूमध्य सागर के बारे में, 2000 फैदम से अधिक गहरे हैं। इसके सबसे अधिक गहरे भाग 2533 फैदम की गहराई नापी गई है। इस प्रकार एपेनाइन और दिनारिक पर्वतमालाओं के समानांतर बलन के मध्य उत्पन्न सकरे एवं लंबे गर्त में जल भर जाने के कारण एड्रियाटिक सागर का निर्माण हुआ।
उसी प्रकार तृतीय कल्प में भूपटल में होने वाले भीषण उपद्रवों के फलस्वरूप इजियन सागर, काला सागर, एटियाटिक सागर की उत्पत्ति हुई। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो अमेरिका के अटलांटिक तट पर बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी में अधिकांशतः भाग 100 फैदम से भी कम गहरे हैं। ग्रीनलैंड तथा बैफन द्वीप के मध्य डेविस जल डमरू द्वारा अटलांटिक महासागर आर्कटिक महासागर से मिल जाती है। इस प्रकार अगर हम लोग संक्षेप में अगर देखें तो अटलांटिक महासागर में जो प्रमुख बेसिन है, एक बार हम लोग उसको संक्षेप में देख लेते हैं, प्रश्न पूछी भी जाते हैं। तो अटलांटिक महासागर के प्रमुख बेसिनों पर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका बेसिन, ब्राजील बेसिन, अर्जेंटीना बेसिन, केप वर्ड बेसिन, सियरा लियोन बेसिन, गिनी बेसिन, अंगोला बेसिन, केप बेसिन, अगुलहास बेसिन, अटलांटिक आर्कटिक बेसिन और दक्षिणी एंटलीज बेसिन है। वहीं अगर इसके अगर हम लोग गर्त के बारे में देखें तो केमर श्रेणी, पोर्टो रिको द्रोणी, दक्षिणी सैंडविच खाई, रोमांस की खाड़ी इसकी प्रमुख महासागरीय गर्त हैं। इस प्रकार छात्रों हम समझ रहे हैं कि अटलांटिक महासागर के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा की है, जो कि आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और आगे हम लोग अगले क्लास में इसके अगले यूनिट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।